माय नेम इज तन्वीर फ्रॉम बिग ऑटो एक्सेसरीज वाशी नवी मुंबई। वैगन आर LXi टू ZXi, ये कन्वर्जन है आप लोगों के सामने जो मैंने प्रेजेंट किया है। और आज वीडियो बनाने का पर्पस भी कुछ डिफरेंट था दोस्तों। आज वुमन पावर, अगर एक अकेले लेडीज आके बोल सकती है ना गेस द मॉडल इतना भरोसा जीता है, तो फिर कोई भी आके बोल सकता है। सबसे पहले मैं आउटर प्रोफाइल ऑफ द कार से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। साइड प्रोफाइल में हमने 14 इंचेस के जो मशीन कट अलॉय व्हील्स आते हैं मारुति जेन्युइन के इंस्टॉल किए हैं। इसमें रेगुलर रिम लग के आती है, फिर हम व्हील कैप्स वगैरह लगाते हैं, हमने अलॉय व्हील से अपग्रेड किया हुआ है। और एक अलॉय व्हील इंस्टॉल करने के बाद द लुक ऑफ द कार टोटली चेंज हो जाता है। ये अलॉय व्हील में सिर्फ 4000 रुपीज़ हमने डिफरेंस लिया हुआ है टायर एक्सचेंज करने का, और आप लोगों के सामने अपग्रेड है। ये कार में हमने ORVM मिरर्स भी इंस्टॉल किए हैं, इसमें रेगुलर मिरर्स ही लग के आते हैं, और इसकी वे ऑफ वर्किंग भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने मारुति जेन्युइन की जो स्पोर्ट्स किट हम बोलते हैं, मारुति जेन्युइन में इसे रोबस किट बोलते हैं, फ्रंट बैक साइड और फेंडर इंस्टॉल किया हुआ है। इसकी फिटमेंट देखिए, दिस इज़ नॉट द आफ्टर मार्केट किट है, ये जेन्युइन पूरी किट आती है, प्रॉपर रबर पैकिंग के साथ आती है। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द किट, ये फ्रंट की है। ग्रिल में हमने क्रोमियम इंस्टॉल किया है, लेकिन वो भी जेन्युइन वाला। चारों बम्पर गार्ड्स इंस्टॉल किए हुए हैं। फोक लैंप्स में हमने प्रोजेक्टर प्रो 7 के इंस्टॉल किए हैं LED वाली, और थोड़ा सा हमने क्रोमियम वर्क किया हुआ है। ये कार मैग्मा ग्रे है, इसे ब्लैक एंड क्रोम का एक थीम दिया है। एक स्पोर्ट्स मोड्स भी मुझे देना था, लेकिन बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल तरीके से ये ब्लैक किट्स भी जो हेडलाइट टेल लाइट की है वो मैंने इंस्टॉल की है। लेकिन आज दोस्तों वैगन आर में भी मुझे कमेंट्स आने चाहिए कि मैंने एक वैगन आर LXi को भी किस तरीके से अपग्रेड किया है। अलॉय व्हील्स तो हमने इंस्टॉल किए हैं, ये फेंडर की फिटमेंट आप देखिए जो ये स्पोर्ट्स किट में आते हैं, ये जेन्युइन की एक एक प्रॉपर रबर पैकिंग्स आते हैं इसके अंदर। आप साइड प्रोफाइल में भी, इसके गैप में भी आप देख सकते हैं द सॉफ्ट रबर पैकिंग कंपनी देती है, एंड ये फुल आती है स्टार्ट टू एंड। और जो साइड में है ब्लैक एंड सिल्वर कलर की जो कोट कंपनी लगा के देती है। वापस बोलूँगा, रूफ रेल, डोर वाइजर, हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म एंड द रोबस्ट किट हमने इंस्टॉल किया। जो मैंने साइड की मोल्डिंग भी है ना, कुछ डिफरेंट है, ब्लैक कलर के अंदर सिल्वर कलर का वैगन आर नेम हाईलाइटिंग के साथ इंस्टॉल किया है। अगर मैंने फ्रंट साइड में इतना अच्छा किया है, तो मैं रियर में भी कोई चीज़ की कमी नहीं रखूँगा। मैंने रियर में भी जेन्युइन स्पॉइलर इंस्टॉल किया है, ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, दिस इज़ द जेन्युइन स्पॉइलर है। इसकी आप फिटमेंट देख सकते हैं, प्रॉपरली होल मार के फिट होता है। यू क्रोम, एक थोड़ा सा क्रोम हमने इंस्टॉल किया है। रोबस किट की रियर की भी आप फिटमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, फिटमेंट एक एक चीज़ प्रॉपर पैकिंग के साथ आती है, कोई आफ्टर मार्केट मैंने इसी के अंदर लगाया ही नहीं है। अगर वैगन आर भी एक प्रोजेक्ट लूँगा ना, उसमें 80-90% मैं जेन्युइन चीज़ इंस्टॉल करूँगा, फ्रंट बैक एंड साइड। अब आते हैं इंटीरियर में। ORVM मिरर्स हमने इंस्टॉल किया है प्रॉपरली स्विचेस के साथ। इसकी मिरर की आप मूवमेंट्स भी आप देख सकते हैं राइट की, ये परफेक्टली स्विचेस से ऑन ऑफ भी होते हैं। इसमें जो रियर की हमने पावर विंडो भी इंस्टॉल की हुई है, उसमें मैंने जो इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैंने ये कार में रियर में पावर विंडो नहीं लग के आती है, तो अगर हमने रियर में पावर विंडो इंस्टॉल की हुई है ना, तो इसके प्रॉपरली स्विचेस फ्रंट में भी हमने इंस्टॉल किए हैं। फ्रंट में इंस्टॉल के साथ साथ इसमें जो इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी हमने इंस्टॉल की हुई है, जो सेंटर पीस के साथ आती है। स्टेरिंग ऑडियो कंट्रोल भी मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन स्टेरिंग ऑडियो कंट्रोल के लिए हॉर्न पैड भी मैंने चेंज किया हुआ है।
ये कोई हॉर्न पैड मैंने कटिंग करके इंस्टॉल नहीं किया है, और इसके अंदर जो क्लॉक स्प्रिंग आती है ना दोस्तों, वो भी परफेक्टली हमने इंस्टॉल किया है, नॉट इवन अ सिंगल वायर टेम्पर्ड की हुई है। जो काम करूँगा तो परफेक्शन के साथ करूँगा। ORVM भी लगा दिया, पावर विंडोज़ भी परफेक्टली लगा दिया विद द इंटीरियर स्टाइलिंग किट के साथ। प्लेयर मैंने GT10 का 2GB रैम पे 32GB मेमोरी के साथ विद द वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ जो आता है Z Link के थ्रू जो वर्क होता है, हमने इंस्टॉल किया हुआ है। आप एक एक कैमरे की भी आप क्लियरिटी आप देख सकते हैं, द अल्ट्रा HD कैमरा हमने ये कार में इंस्टॉल किया है। चारों कॉम्पोनेंट तो इंस्टॉल किए हैं, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है, बारीकी है, कफ प्लेट्स भी ये जेन्युइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ये कार के अंदर। सीट कवर टॉप गियर ब्रांड्स के बेज एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के इंस्टॉल किया है। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर। बकेट मैट्स है, लेमिनेशन हमने किया हुआ है ये कार के अंदर, और जो फोक लैंप्स है प्रोजेक्टर, इसके प्रॉपरली मैंने स्विचेस भी इंस्टॉल किए हुए हैं। बहुत मतलब दिल से बोलूँगा दोस्तों, बड़ी बढ़िया गाड़ी बनी हुई है वैगनार, वो भी मैग्मा ग्रे, और इतने ब्यूटीफुल जो हमने तैयार किया हुआ है आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से लगा हुआ है। नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हमने जो रिमोट लॉकिंग सिस्टम है ना, वो भी जेन्युइन इंस्टॉल किया हुआ है जो निप्पॉन का आता है। ये कोई भी आफ्टर मार्केट, मैंने सेंट्रल लॉकिंग भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ORVM मिरर्स भी परफेक्टली पूरे वर्क करते हैं लॉक के साथ, अनलॉक पोजीशन में भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको 100% बोलूँगा, अगर वैगनार कार है ना तो गो फॉर दी जेन्युइन ओनली प्लग एंड प्ले है दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं लगाने के लिए, नॉट इवन अ सिंगल वायर टेम्पर्ड होता है। ये आफ्टर मार्केट फ्लिप ऑन के चक्कर में ठीक है, हर एक की अपनी पसंद है, लेकिन जब इतना काम मैंने जेन्युइन कर दिया है, आज आपके सामने है दोस्तों, रोबस्ट किट जेन्युइन, एलॉय व्हील्स जेन्युइन, आप लोगों के सामने स्पॉइलर जेन्युइन, पावर विंडो जेन्युइन, ORVM आप लोगों के सामने, जितनी क्रोम आइटम्स भी लगाई है वो भी जेन्युइन मैंने लगाई है, तो रिमोट लॉकिंग सिस्टम मैं कैसे छोड़ सकता था, तो ये भी आप लोगों के सामने की। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ गेस द मॉडल। धनुश्री आके मुझे एक ही बात बोला, भैया हमारी कार वैगनार है, इसे गेस द मॉडल बना दीजिए। जो मैंने अल्टीमेट वर्क किया हुआ है इनकी कार में, जैसे हर वक्त देखते रहते हैं, पावर सबसे ज्यादा इधर है, आप भी हैरान होंगे। और जो मैंने ये कार में जो वर्क किया है ना, वो अल्टीमेट है। मैडम से एक रिव्यू लेना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो मेरे पे भरोसा किया आप लोगों ने और मुझे मौका दिया हुआ है। किस तरीके से कार आपको लगी? बहुत अच्छी है, मेरा दिल खुश हो गया देख के। जय स्वामी समर्थ, जय श्री स्वामी समर्थ। एकदम मस्त गाडीचं पूर्ण काय एकदम टॉप मॉडेल मध्ये करून दिले, सगळे जेन्युइन पार्ट्स मला लावून दिलेले, आणि जसं सांगितलंय त्याच्यापेक्षा म्हणजे अपेक्षा एक होती त्याच्यापेक्षा जास्त मला करून दिलेलं आहे सरांनी। आणि खरंच ज्या लेडीज ना कोण असतील ज्यांना करून हवी असेल मॉडिफिकेशन, तर सर तुम्हाला खूप चांगलं बनवून देतील, खात्री अशी की डोळे बंद करून तुम्ही सांगू शकता की मला माझी गाडी अशी बनवून हवी आहे, सर नक्की तुम्हाला बनवून देतील। तर प्लीज तुम्ही ह्यांच्या ह्या दुकानाला एक्सेसरीजसाठी तुम्हाला काय हवं असेल तर कधी पण भेट द्या, सर तुम्हाला नक्की सपोर्ट करतील। आणि खूप चांगलं गाडी केलं, सगळ्या वर्कशॉपमध्ये सगळ्या लोकांनी खूप चांगलं एन्व्हायरमेंट होतं सपोर्ट, आणि वर्करचं काम खूप चांगलं आहे, त्यामुळे माझ्याच गाडी एवढी चांगली तुम्हाला बघायला भेटेल, एकदम मस्त। थँक्यू सो मच। शॉपचं नाव आहे पहिली गोष्ट म्हणजे VIG ऑटो सर्व्हिस। मला असं वाटतं की आपल्या महाराष्ट्रातल्या खूप जणांनी इथे येऊन व्हिजिट करावी, आणि त्यांचे जे पण नवीन कार असतील त्यांनी इथून बनवून घ्यावेत, कारण खूप चांगलं प्रतीचं काम आणि खूप चांगली सर्व्हिस दिली आहे त्यांनी। आणि मला वुमेन्सना पण सांगायचं आहे की तुम्हाला कधी बाहेर दुसरीकडे एवढं चांगलं गायडन्स नाही मिळणार, किंवा तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे मॉडिफाय काय करायचं आहे हेही तुम्हाला नाही कळणार। जर तुम्हाला ते ॲक्युरेट आणि व्यवस्थित हवं असेल तर तुम्हाला ह्या सरांकडून खूप चांगलं मार्गदर्शन मिळेल, त्यामुळे तुम्ही तुमची कार अजून जास्त चांगल्या प्रतीने मॉडिफाय करून तुम्हाला हवी तशी तुम्ही ती यूज करू शकाल। थँक्यू सर, तुम्ही आम्हाला एवढी बेस्ट सर्व्हिस दिलीस त्याबद्दल थँक्यू। जय श्री स्वामी समर्थ।
ही कार तुमची वॅगनार अपग्रेड करायचा आणि मैंने खूप चांगलेपणे तुमची कार अपग्रेड केलेली आहे क्योंकि पूरा जो था भरोसे पे था, क्योंकि एक आना एक इतना भरोसा रखना और जो मैं डिलीवर जो मैंने किया ना, मुझे खुद को इतना लगा और आज इतने मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत कीजिए, लेकिन ये फर्स्ट बार है कि वुमन पावर में भी इतना है कि वो भी आप बंद करके हमारे पास भरोसा करके आ सकते हैं कि वैगनआर भी पूरी गेस्ट द मॉडल मुझे बना के दीजिए। शॉप में बहुत से जन बहुत दूर से आते हैं, बहुत मतलब दूसरे स्टेट से आते हैं, तो अगर ये वो लोग इतना आते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो बात जरूर रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी सोचिए इस बारे में और एक बार जरूर विजिट करिए शॉप। धन्यवाद किया है। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।